आई एम अ बाइनोमिस्ट आर यू, ये डायलॉग आपने बहुत सारे क्रिएटर्स या सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के मुंह से सुना होगा क्योंकि उन्हें ऐसा कहने के पैसे मिले थे। पैसे लेकर प्रमोशन करना गलत नहीं है, हम भी करते हैं, बट देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन एथिकल एंड अनएथिकल प्रमोशंस। मुझे दो चीजें बहुत पसंद है, नंबर वन स्पोर्ट्स और उसके बाद कॉम्पिटिटिव कंटेंट। आपकी दूसरी सैलरी से काम चला लेंगे, चाहिए बस एक फोन, 3,000 रुपए और हमारे एक्सपर्ट्स का साथ। कल के साथ साथ अपने आज का भी सोचो। बाइनोमो, ऑक्टा एफएक्स, ओलिम ट्रेड एंड सिमिलर एप्लीकेशंस क्या काम करती हैं? ये अपने आप को फॉरेक्स ट्रेडिंग या बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बुलाते हैं। इनकी एप्स पर आप लाइव ट्रेडिंग कर सकते हो फॉरेन करेंसीज में, गोल्ड में या बेसिकली किसी भी चीज में। फॉर एग्जांपल, आपको एक रियल टाइम बेट लगाना है कि अगले 60 सेकंड्स में US डॉलर यहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर आप सही निकले तो जितना पैसा आपने बेट में लगाया था उसका 80% आप कमा लोगे प्रॉफिट, और अगर आप गलत निकले तो जितना भी पैसा आपने लगाया था सारा चला जाएगा। समझ आया? दिस इज वर्स देन गैम्बलिंग, क्योंकि गैम्बलिंग में हाउस के पास 5% का एज होता है, बट इन एप्लीकेशंस के पास 20-20% का एज है, एंड लॉन्ग टर्म में द हाउस ऑलवेज विंस। दैट्स हाउ कैसीनोज मेक मनी। ऐसा सिस्टम विच इज डिजाइन टू मेक यू लूज मनी, इसको एक लेजिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोल के बहुत भारी प्रमोशन किया जा रहा है। ये एप्लीकेशंस अलग अलग लोगों को उठाकर अपना कस्टमर दिखा रही हैं और उनके साथ एक हाई क्वालिटी इंटरव्यू शूट करके यूट्यूब पर डाल रही हैं। फिर उन वीडियोस पर भारी पैसा खर्च करके मिलियंस ऑफ व्यूज जनरेट किए जा रहे हैं। ऐसे वीडियोस जिनमें इनके सो कॉल्ड सक्सेसफुल ट्रेडर्स कहते हैं, फर्स्ट 5 years on an average I'm getting $15,000 to $20,000 per day. 15 lakh rupees का प्रॉफिट पर डे, पर ईयर नहीं, पर मंथ नहीं, बल्कि पर डे। और ये बच्चा बोलता है, माय बिगेस्ट अचीवमेंट इज $9,200 इन अ डे। रुको, अभी और है। आई एम यूजिंग लो रिस्क, लाइक 1% रिस्क कैन से। 1% रिस्क पे ये सो कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडर 7 lakh rupees पर डे कमाता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के नाम पे एक एक घंटे के वेबिनार्स पब्लिश हो रहे हैं यूट्यूब पे, ताकि आपको ये विश्वास दिलाया जा सके कि अगर आपने ये स्ट्रेटजी सीख ली और हमारी ऐप डाउनलोड कर ली तो 15 lakh rupees पर डे तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। अगले ही सुबह आपको अडानी का कॉल आएगा, उसको लोन चाहिए आपसे। वो कहते हैं ना कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाएगा। इनके अकॉर्डिंग आप कितना भी ढूंढ लो आपको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दिखेगी, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग आप लोग बेवकूफ हो जो अब तक इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके लाखों रुपए पर डे कमाना चालू नहीं किए हो, क्योंकि कमा सकते हो ना। तो कौन है ये लोग जो रोते रहते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, डाउनलोड क्यों नहीं करते इनकी ऐप? आप और हम बेवकूफ ही तो हैं जो अच्छे दिनों का वेट कर रहे हैं, सरकार को गाली देते हैं। सिंपल एक ऐप डाउनलोड करना था, इतने सालों से बेरोजगार बैठे हैं। सिर्फ भारत में नहीं, बहुत सारे कंट्रीज में इन ऐप्स का स्कैम चल रहा है। इनफैक्ट इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान ने इन ऐप्स को बैन भी कर दिया है। इंडोनेशिया के 2 super rich इन्फ्लुएंसर्स सलमानन एंड केसुमा को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया, क्योंकि ये लोग अपने व्यूअर्स को ये बाइनोमो और कोटेक्स जैसी एप्लीकेशंस ना सिर्फ मोट कर रहे थे बल्कि ये भी इम्प्लाई कर रहे थे कि ये खुद इन एप्लीकेशंस पर ट्रेडिंग कर करके इतने आलीशान बंगलो, सुपर कार्स एंड लग्जूरियस लाइफस्टाइल आज जी पा रहे हैं, जबकि रियलिटी में ये लोग कुछ भी ट्रेड नहीं करते थे। इनको अप टू 80% कमीशंस मिलते थे इन एप्लीकेशंस से। पूछो 80% किसका? जो पैसा आप हारोगे उसका। Yes, मतलब जिन भोले भाले लोगों ने इनकी बातों में आकर इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया है और ट्रेड किया है, जबकि वो ट्रेड नहीं है, गैम्बलिंग है, बिकॉज द सिस्टम इज डिजाइन टू मेक यू लूज मनी। उन भोले लोगों ने ऑब्वियसली पैसा हारा होगा, और जितना पैसा वो हारेंगे उसका 80% कमीशन इन यूट्यूबर्स को या सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को मिलेगा। इंडोनेशिया के फाइनेंशियल जर्नलिस्ट जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक करी, विंसेंसियस सिटेपू का कहना है, If we think of Binomo as a snake, it needs to be beheaded. What we've got so far is only the tail. India में भी इन applications ने भारी promotion किया है। In fact, आपको news articles मिल जाएंगे बड़े-बड़े papers में, जैसे Indian Express, Deccan Chronicle, Zee News, पूरा लंबा सा article समझा रखा है जिसमें Binomo कैसे काम करता है, क्या ये legit है, इसके पास कौन से international so-called certificates and awards हैं, इस पे trade कैसे किया जाए, इसमें demo account कैसे बनाएंगे, इसके customers ने इसके लिए क्या positive reviews दिए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जब news में आ चुका तो लेजिट होगा, बट नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ दिखेगा, डिस्क्लेमर, दिस कंटेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिनोमो, नो टाइम्स ग्रुप जर्नलिस्ट इज इन्वॉल्वड इन द क्रिएशन ऑफ दिस कंटेंट, नो डेक्कन क्रॉनिकल जर्नलिस्ट वाज इन्वॉल्वड इन क्रिएटिंग दिस कंटेंट, दिस ग्रुप आल्सो टेक्स नो रिस्पांसिबिलिटी फॉर दिस कंटेंट। मतलब ये न्यूज आर्टिकल्स नहीं थे, ये एड था, बट लोग कहां इतना नीचे तक जाकर चेक करते हैं। अगर किसी बड़े मीडिया आउटलेट का नाम जुड़ गया है मतलब लेजिट होगा। और ये हमारे सो कॉल्ड भारतीय इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज भी कुछ कम नहीं है, इन्होंने दबा के प्रमोशन किया है
एप्लीकेशंस का और आपसे झूठ बोला है। इन्होंने आपसे कहा है कि ये लोग खुद भी इन एप्लीकेशंस पे ट्रेडिंग करके एक साइड इनकम जनरेट करते हैं। इनको एक्चुअली इन एप्स के बारे में जीरो नॉलेज है। आपको लगता है कि ये लोग कुछ लेजिट बोल रहे हैं, बट ये एक्चुअली में एक स्क्रिप्ट से रीड कर रहे हैं जो कि ब्रांड ने इनको दी है। आधे से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स ने इन एप्लीकेशंस को शायद अपने फोन में कभी इंस्टॉल तक नहीं किया है, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स एंड ब्रांडेड मटेरियल इनको ब्रांड ही भेज देती है एंड ये बस वीडियो में उसको लगा देते हैं। इट इज रियली डिसहार्टनिंग टू सी अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स प्रोमोटिंग ब्रांड्स दैट दे डोंट फुली अंडरस्टैंड एंड डेफिनेटली डू नॉट यूज। आप खुद ही सोचो, अगर इंसेंटिव स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइंड है कि इनको कमीशन तब मिलेगा जब आप लोग पैसा हारोगे, तो ये आपका अपने व्यूअर्स का ट्रस्ट किस लेवल पर ब्रेक कर रहे हैं कुछ पैसों के लिए। एक्चुअली सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक, बहुत सारे पैसों के लिए। इट इज डेफिनेटली अपर सिक्स डिजिट्स एंड सेवन डिजिट नंबर्स। और जो क्रिएटर इतना मोटा पैसा पर वीडियो ब्रांड से चार्ज करता है, वो आपको अपने वीडियोस में कहता है कि वो इन्हीं एप्लीकेशंस पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करके साइड इनकम जनरेट करता है या फिर अपने खर्चे निकाल लेता है। आई एम अ बायनोमिस्ट, आर यू? सीरियसली, इतना बेवकूफ समझा है ऑडियंस को? ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हमारे इनबॉक्स में इन्हीं एप्लीकेशंस के स्पॉन्सरशिप ऑफर्स नहीं आते। ये ब्रांड्स उन क्रिएटर्स को मुंह मांगा पैसा देती हैं जो क्रिएटर्स अपनी ऑडियंस का भरोसा तोड़ देते हैं। हमने मल्टीपल टाइम्स इनसे इनकी लीगैलिटी पर क्वेश्चन किया और बदले में बस एक ही जवाब आता है कि हम बड़े ही रिस्पेक्टेड और लेजिट ब्रांड है, देखो हमने IPL टीम्स को स्पॉन्सर कर दिया है। बाइनोम ने स्पॉन्सर किया था सनराइजर्स हैदराबाद को और ऑक्टा एफएक्स ने स्पॉन्सर किया था दिल्ली कैपिटल्स को। बट रियलिटी इज कि आप IPL टीम्स को स्पॉन्सर करके लेजिट नहीं बन जाते, एंड थैंक्स टू RBI। फाइनली RBI ने इस इशू को एड्रेस किया है एंड एक अलर्ट लिस्ट इशू की है। इट्स अ वार्निंग टू स्टे अवे फ्रॉम दीज ऐप बिकॉज दे आर नाइदर ऑथराइज्ड टू डील इन फॉरेक्स अंडर फेमा एक्ट 1999 नॉर ऑथराइज्ड टू ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस। इस लिस्ट में 34 ऐप्स के नाम है, इंक्लूडिंग बाइनोमो, ऑक्टा एफएक्स एंड ओलिम ट्रेड। लाइक आई सेड, भारी प्रमोशन और IPL टीम्स को स्पॉन्सर करने से कोई भी ब्रांड लेजिट नहीं बन जाता। इन टाइप की एप्लीकेशंस पर दो वीडियोस बनाकर हमने आपको ऑलरेडी वार्न किया था, बट मिलियंस ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी बीन मैनिपुलेटेड। अभी भी मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप भी लालच में आकर इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर चुके हो और ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो चुके हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस टाइप की एप्लीकेशंस मोस्टली केमैन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड होती है, इंडियन लॉज उन पर अप्लाई बिल्कुल नहीं होते हैं। कभी ये लोग बंद हो गए, आपका पैसा लेकर भाग गए, या इन्होंने सिंपली विड्रॉल बंद कर दिया, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और हार्ड अर्न मनी कभी वापस नहीं आएगा। देयर आर मल्टीपल रिपोर्ट्स बाय टॉप फाइनेंशियल जर्नलिस्ट जिन्होंने बताया कि इस टाइप की एप्स आपको कैसे चीट करती हैं। सबसे पहले आपको डेमो अकाउंट देंगे, उसमें आप जो भी ट्रेड करोगे उसमें आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि वो रियल मनी है ही नहीं। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप अपना पैसा डाल के ट्रेड करोगे, जो बाय द वे गैम्बलिंग है। फिर ये अपने चार्ट डेटा को भी मैनिपुलेट करते हैं ताकि आप अननोइंगली गलत ट्रेड लगा दो। उसके बाद आपकी पोजीशंस को जानबूझकर डिले किया जाता है ताकि आपको लॉस ही हो जाए। फिर जब आप अपना पैसा विड्रॉ करते हो तो हाई विड्रॉल फीस और मिनिमम बैलेंस जैसे रिक्वायरमेंट रख देते हैं जिससे कि आप डिस्करेज हो जाओ पैसा निकालने को। फिर भी अगर आपने पैसा निकाला तो 10-15 दिन तक पैसा कहां गया इसका कोई आइडिया नहीं है। बहुत सारे केसेस में इन्होंने लोगों को विड्रॉ करने ही नहीं दिया है, एंड दैट इज अ ट्रू फैक्ट। उसके बाद आपको जानबूझकर ज्यादा लेवरेज दिया जाता है, यानी आप $1 लगा के $500 का ट्रेड कर सकते हो, जो ऑब्वियसली अगर गेम रिग्ड है तो आपको $500 का नुकसान होने वाला है। कोई देखने वाला नहीं है इनको, खासकर इंडिया में तो जीरो रेगुलेशंस है। ये fxpro.com है और बाहर के कुछ कंट्रीज में ये हाईली रेगुलेटेड है, एंड इनको कंपलसरी है अपनी वेबसाइट के टॉप पर ये लिखना कि इनके टोटल रिटेल इन्वेस्टर्स का कितना परसेंटेज रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा गवा देते हैं। यहां पर लिखा है 84.72% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स अकाउंट लूज मनी, ना सिर्फ वेबसाइट के टॉप पर बट इनके सारी एडवर्टाइजमेंट्स के टॉप पर भी इनको ये लाइंस लिखनी जरूरी है, जो कि छोटे फॉन्ट में नहीं है, काफी प्रोमिनेंटली ये चीज विजिबल है। डू नॉट वेट फॉर इट टू बिकम अ नेशनल स्कैंडल, अपना टाइम और पैसा दोनों बचाओ, और अगर वो किसी अच्छी चीज सीखने में लगाओगे तो नेक्स्ट टाइम ऐसी एप्लीकेशंस या ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आपको कभी मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के नाम लिख सकते हो जिन्होंने पैसों के लिए अपने व्यूअर्स का भरोसा तोड़ा है, ताकि लोगों को ये पता चले कि फाइनेंशियल एडवाइस हर किसी से नहीं लेनी चाहिए। उन इन्फ्लुएंस का नेटवर्थ प्रोबेबली 10 डिजिट्स में जा चुका है, बट उनके व्यूअर्स का एक्चुअली नुकसान हुआ है। नॉट फेयर एट ऑल।